नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद MS में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, इस पर कुछ बातें करेंगे कि हमें किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए ताकि आप सफलता सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं कि सर किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि सामने बहुत सी भर्ती प्रक्रियाएँ जैसे सेकेंड ग्रेड हो गई, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो गई। इसके अलावा शिक्षा विभाग की बात करें तो आज ही कॉलेज एक्सार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के 1000 पद ऊपर वापस भर्ती होने की संभावना है, जो आज मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है। 1000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया होगी। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान पुलिस होने जा रही है, वीडियो की भर्ती होने जा रही है। इसके अलावा रिट 2022 भी होने जा रही है, उसका भी परफॉर्मा बोर्ड ने तैयार कर रहा है, तो ये भी होने जा रही है। तो इतनी सारी भर्तियां आपके सामने है और आपके कुछ विद्यार्थियों का ये संशय बना हुआ है कि सर किसकी तैयारी करें। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस भर्ती प्रक्रिया की हम तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, इसके पर हम बात करेंगे आज। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उन बातों को नोटिस करना और सोचना उस बातों के बाद, और आप निर्णय स्वयं करना है आपको। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ, इसके बाद आपको खुद को निर्णय करना है कि हम किसकी तैयारी करें। तो आप पहली बात ध्यान रखना कि डोंट क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, मतलब किस प्रकार का निर्णय हम नहीं करें और किस प्रकार का निर्णय हम करें, इन पर हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी पदों की संख्या को देखकर निर्णय ना करें, पदों की संख्या देखकर निर्णय ना करें, कभी भी पदों की संख्या को देखकर निर्णय ना करें। यह नहीं है कि सेकंड ग्रेड 10000 की आ रही है और फर्स्ट ग्रेड 6000 की आ रही है तो हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, ये कभी श्योर नहीं है। ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो पदों पर निर्भर नहीं करता, आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। तो कभी भी पदों की संख्या को देखकर निर्णय ना करें। दूसरी बात, कभी भी ग्रेड पे को देखकर निर्णय ना करें, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के ये मन में होता है कि इसका ग्रेड पे कम है इसलिए भर्ती प्रक्रिया सरल है पास करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ ग्रेड पे बढ़ता जाता है उन भर्ती प्रक्रिया का कंपटीशन जो ग्रेड पे कम है उससे कम होता है, जिसका ग्रेड पे अधिक है उसमें कंपटीशन कम होगा निचले ग्रेड पे से। तो ध्यान रखना, कभी भी ग्रेड पे को देखकर आप ये निर्णय मत करना कि हम इसका ग्रेड पे कम है इसलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि ये कंपटीशन कम होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ग्रेड पे आप को देखकर आप तैयारी ना करें। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि इसका ग्रेड पे कम है, हम तो हाई लेवल वाले ग्रेड पे की तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा भी मत सोचना कि हम हाई ग्रेड पे उसमें कंपटीशन बिल्कुल कम होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरी बात जो आपको निर्णय करते समय ध्यान में रखनी है वो कि है कि पाठ्यक्रम ज़्यादा है या कम है, इसको देखकर निर्णय ना करें, मतलब पाठ्यक्रम को देखकर निर्णय करना है लेकिन इसको पाठ्यक्रम की साइज को देखकर निर्णय आपको नहीं करना है कि पाठ्यक्रम की साइज क्या है। पाठ्यक्रम काफ़ी सब्जेक्ट है तो हम इसका तैयारी नहीं करते, पाठ्यक्रम की साइज ज़्यादा है इसका मतलब हम इसकी तैयारी नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम अगर आपके अनुरूप है तो आप तैयारी करें, लेकिन पाठ्यक्रम की आकार को देखकर ज़्यादा या कम को देखकर कभी भी ये निर्णय ना करें कि इस भर्ती परीक्षा की तैयारी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पाठ्यक्रम की साइज को देखकर निर्णय ना करें। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, डू, किस बातों को देखकर आपको निर्णय करना चाहिए। तो पहली बात आपको बताऊंगा, यदि आपने किसी पहली भर्ती परीक्षा की तैयारी की है, यदि आपने किसी भर्ती परीक्षा की पहले तैयारी की है और आप कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो आप उसी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करें जिसने आपने पहले तैयारी की है, क्योंकि अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है तो बहुत सा कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपके पहले से तैयार है, तो उस बात को ध्यान रखें कि अगर आपने पहले से किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी की है तो आप उसी की तैयारी करें। दूसरी बात आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या
चूज करना चाहते हैं कि किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करूं, तो उसमें से आपको देखिए जिसका पाठ्यक्रम आपके अनुरूप है, पाठ्यक्रम की साइज को देखकर निर्णय ना करें। पिछले बात में बताया था मैंने, लेकिन पाठ्यक्रम को देखकर निर्णय करें। पाठ्यक्रम का मतलब हो गया कि आपके अनुरूप है। मान लो पाठ्यक्रम में इंग्लिश आ रही है और आपके इंग्लिश गणित ये सब आपके नहीं है, और तो आप इनसे दूसरे भर्ती परीक्षा का चयन कर सकते हैं। लेकिन जो पाठ्यक्रम आपके अनुरूप है, आपकी दक्षताओं के अनुरूप है, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं है जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। चाहे पाठ्यक्रम कैसा भी हो आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हम एक बार में ही करेक्ट करना चाहिए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, पाठ्यक्रम का चयन इस प्रकार का करना है जो आपके अनुरूप है, जो आपको पढ़ने में सहूलियत हो, जिसमें आपकी रुचि हो और जो आपकी दक्षताओं के अनुरूप हो, इसे पाठ्यक्रम का चयन करना है। और वो पाठ्यक्रम है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। तीन बातें मैंने बताई है जिसके आप पर निर्णय ना करना है उनको देखकर, और ये दो बातें आपको देखकर निर्णय करना है। बाकी आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते आपने मेहनत कितनी की है, ये बात बहुत डिपेंड करती है, और मेहनत के साथ आपकी कंटिन्यूटी कितनी है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे जो हमारे सामने भर्तियां हैं उनके बारे में बात करें तो सेकंड ग्रेड आ रही है, तो जिनके बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीकॉम बीएड है वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। जिनके बीए बीएड या बीएससी बीएड है वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, जिनके एमए या एमएससी नहीं की हुई है। जिनके एमए या एमएससी की हुई है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ऐसे साथी जो बीएड में अभी फर्स्ट ईयर में है, जो बीएड अभी जिनकी चल रही है बीएड फर्स्ट ईयर, वो सब रिट 2022 को टारगेट कर लें और कन्फर्म 2022 एंड तक या फरवरी 2023 में वैकेंसी होने की संभावना है रिट की। इसके अलावा आज जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1000 पदों पर वापस भर्ती होगी, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं जिन्होंने रिट में कम नंबर आ रहे हैं, वो चाहे तो रिट 2022 के लिए टारगेट कर सकते हैं। और अगर पहले आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो या राजस्थान पुलिस की आप भर्ती देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इन बातों को देखकर आप निर्णय करें, और आप निर्णय को आपको स्वयं को करना है कि आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और किसकी नहीं करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।